शेखुपुरा में भी सियासी पावर बढ़ता ही जा रहा है। इलेक्शन में जहां उम्मीदवार बड़ी बड़ी गाड़ियों पर कैबिन लगा रहे हैं, वहीं शेखुपुरा के हल्का पीपी 145 और एक ऐसा नौजवान उम्मीदवार भी है जो इस हल्के में रिक्शा चलाकर रोजी रोटी भी कमाता है और रक्षे पर कैंपेन भी करा है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मुस्तफ़ा खान। जी मुस्तफ़ा खान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी इस वक्त अरूज पर है। बड़े बड़े काफले और बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों पर जो है वो कंपेन्स की जा रही है। मैं सुबह मौजूद हूँ शेखुपुरा के हल्का पीपी 143 में, जहाँ पर इनके एक उम्मीदवार जो है वो इस वक्त रिक्शे के ऊपर जो है वो कायन से जानते हैं। इनका है कहना, जी कैसी कंपेन आप कर रहे हैं और क्या आपको रिस्पॉन्ड आ रहा है? जी बिल्कुल, मैं रिक्शे पर कंपेन कर रहा हूँ, लेकिन अलहमदिल्ला मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूँ और रिक्शे पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे वालिद साहब मिस्त्री हैं और सियासत में इसीलिए आया हूँ कि मैं जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी ताकत के साथ, उनके वोट के साथ, और उनको मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कि अब हम ये जो पराठो शराठो वाले हैं इनके दबाव में नहीं आएंगे। जो इलेक्शन से एक माह पहले आके हमें प्रेशराइज करते हैं कि हमें वोट दो वोट दो, और इलेक्शन के बाद हमारे पास नहीं आते, हमें पूछते तक नहीं है कि उसके बाद इंशाल्लाह मैं रिक्शे पे बैठकर अपनी गरीब आवाम के वोट के साथ असम्बली हाल में जाऊंगा। वहाँ पर बैठ के इनके जितने भी हमारे मसाइल हैं मिडिल क्लास लोगों के, इंशाल्लाह उनका सलूशन करेंगे और उनको हल करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि मैं जब असम्बली हाल में जाऊंगा वहाँ जाकर अपनी गरीब आवाम की आवाज़ बनूंगा। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।